एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए तहसील ठाकुर द्वारा ब्लॉक डिलारी स्थित ग्राम जटपुरा पहुंची। वर्तमान समय में आजमी सहाना ने प्रधान बनकर इस गांव की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। लगभग 5500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 2600 वोटर रहते हैं, वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या भी 725 बताई गई। इस गांव में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में कुल छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 101 नजर आई। वहीं हैंडपंपों की संख्या 45 व ग्रामीणों ने 35 और हैंडपंपों की सरकार से मांग की है। प्रधान आजमी सहाना ने अपने गांव में सड़कों का निर्माण करवाया है, वहीं संजय सड़कों को सीसी टाइल्स में भी परिवर्तित किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण भी करवा कर ग्रामीणों को सौंपा गया है। ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की बेहद प्रशंसा की व प्रधान की हौसला अफजाई भी की। साथ ही बताया कि प्रधान बहुत अच्छे तरीके से गांव में विकास कार्य करा रहे हैं तथा सरकार से उन्होंने यह भी मांग रखी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा गांव में प्रधान को पैसा मुहैया कराया जाए, जिससे गांव में विकास कार्य को पटरी पे लाया जा सके। मैं साहब अपने वार्ड का मेंबर हूँ, जटपुरे का निवासी। जो प्रधान जी ने काम करा है शौचालयों का, सड़क निर्माण का और सफाई अभियान जो भी है वो काम बेहतर करा। मैं जटपुरे निवासी हूँ, मेरा नाम नन्ने सिंह है। हमारे ग्राम प्रधान ने लाइटें लगवाई हैं, सूरज लगवाई है, रोड बनवा रहे हैं, रास्ते बनवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत जटपुरा से, जो हमारी पत्नी प्रधान है, उनका पति हूँ और प्रधान पति हूँ। और ग्राम पंचायत जटपुरा में जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है उसको हम सीसी टाइल्स और जो हमारे लाइट हैं सौर ऊर्जा वगैरह की, वो लगवाते हैं। अच्छा, जहाँ रास्ते ज़्यादा ख़राब हैं ग्राम पंचायत में, वो हमने प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले बनवाए। खुले मीटिंग करके हम प्रस्ताव लेते हैं। ग्राम पंचायत जटपुरा में जो राज्य सरकार द्वारा और हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो प्राप्त पैसा होता है, जो धन प्राप्त होता है, उसको हम सदुपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से पैसा लगा के गाँव में साफ सफाई वगैरह इस तरह से जो हम उस पर खर्च करते हैं। और बहुत ही हम अपील करते हैं अपने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि प्रधानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, जिससे कि उस पैसे का सदुपयोग हो सके और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। ग्राम प्रधान एक नीचे की सीढ़ी होती है, वो जो है वो ऐसा नहीं कि कोई इस तरह से मिट्टी का ढेर है। उसको हमारी सरकार, राज्य सरकार भी समझे और केंद्र सरकार भी समझे, क्योंकि वो मेन एक सीढ़ी है हमारी सरकारों के लिए। वहीं से सारी राजनीति या वहीं से विकास, गाँव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा। हम लोग चाहते हैं, हम मांग करते हैं अपने राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि वो गांव के लिए, गांव पे ज़्यादा ध्यान दें, गांव के विकास के लिए, और पैसा भी धन उपलब्ध कराएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य ग्राम पंचायत में हो सके। और ग्राम पंचायत में जब विकास होगा तो सफाई की व्यवस्था बढ़िया रहेगी। और मैं ये अपने, मेरे गाँव की ये पोजिशन है कि मैं अपने राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील करता हूं कि वो मेरे यहाँ के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पॉपुलेशन 5.5 से 6 हज़ार के आसपास है, मैं चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में एक टंकी की व्यवस्था करा दें, जिससे कि मेरे गांव को पानी की सप्लाई सही तरीके से उपलब्ध हो सके।